आदानी एनर्जी सल्यूशन लिमिटेड तृतीय त्रैमासिक आर्थिक फलाफल और परिचालना प्रदर्शन घोषणा। राजस्व क्षेत्र में उल्लेखनीय अभिवृद्धि जारी। डिसेंबर 31 शेष होता क्वार्टर में 19% राजस्व अभिवृद्धि सह यह 3615 कोटी में पहुंची। सेपरी ऑपरेशनल ईबीटीडा रे 10% अभिवृद्धि सह यह 1454 कोटी टंका रही। पछरे वारोरा कुर्नूल खरघर बिरखोली एवं एमपी टू लाइन रो विशेष योगदान रही। मोट ईबीटीडा 1732 कोटी रही बेले एथिरे 137 कोटी टंका 120 मिलियन बॉन्ड बायबैक रु मिली। चलित आर्थिक वर्षर तृतीय त्रैमासिक टैक्स पर लाभ 281 कोटी टंका रही। तेबे तृतीय त्रैमासिक कैश प्रॉफिट 786 कोटी टंका रही। तृतीय क्वार्टर मध्य अनेक नुआ ट्रांसमिशन लाइन कार्यक्षम होबा सह मुंबई रे डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय रे विद्युत व्यवहार बढ़ी। तृतीय क्वार्टर रे नुआ 302 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोग होता बेले मोट ट्रांसमिशन नेटवर्क 20422 सर्किट किलोमीटर में पहुंची। खरघर बिरखोली ट्रांसमिशन लाइन संपूर्ण होता बेले मुंबई में प्रथम थर पर डबल सर्किट 400 किलोभोल्ट ग्रिड लाइन रो स्थापना करा जाय छी, जहां कि मुंबई में विद्युत जोगाण रे स्थिरता आणिबो एवं यार आवश्यकता मध्य रहितला। यहा द्वारा अतिरिक्त 1000 मेगावाट बिजुली मुंबई को आसी पारिबो। एहा सह ही क्वार्टर रे कंपनी पक्षरु 765 किलोभोल्ट विशिष्ट 217 सर्किट किलोमीटर खाबड़ा भुज ट्रांसमिशन लाइन कमिशन होई छी। खाबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सह एहा प्रथम संयोगीकरण। थरे एहा संपूर्ण कार्यक्षम हेले गुजरात रो खाबड़ारु पाखापाखि 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी निर्गमन हेबो। ट्रांसमिशन वर्गरे नुआकरि जितिथिबा खाबड़ा फेज 3 पार्ट ए एवं खाबड़ा पुलिंग स्टेशन 1 रे 17000 कोटी रो ट्रांसमिशन प्रकल्प पई लेटर ऑफ इंटेंट हासिल करिछि आदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। विद्युत आवश्यकता बढ़िबा सह आदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड पक्षरु विद्युत बिक्री 14.8% बढ़िबा सह एहा 2499 मिलियन यूनिट रे पहुंचिछि। डिसेंबर 2023 सुधा आदानी मुंबई इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड रे पावर मिक्स 35% रही। स्मार्ट मीटर व्यवसाय रे ऑर्डर बुक द्रुत गति रे बढ़िबा सह एहा 21.1 मिलियन रे पहुंचिछि, जहार चुक्ति मूल्य रही 25000 कोटी टंका। स्मार्ट मीटर प्रकल्प को सहज और सरल करने कंपनी एयरटेल इसायासफ्ट आदानी कनेक्सर सहयोग लोड़ी। आदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड रे एनर्जी व्यवहार 14.8% बढ़ी। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्षति 5.46% कमी बेले नुआ उपभोक्ता बढ़ी, फल उपभोक्ता संख्या 3.16 मिलियन को वृद्धि पाई। गत वर्ष 2169 यूनिट बिजुली बिक्री होता बेले एवर्ष 2499 यूनिट बिजुली बिक्री होई। एबे भी 17000 कोटी टंकार ट्रांसमिशन पाइपलाइन काम चालू रही। डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय रे अभिवृद्धि 2 अंक विशिष्ट रही। रेगुलेटोरी आसेट बेस 7823 कोटी छुई, जहां 2018 मसीह 5532 कोटी रही। तृतीय क्वार्टर स्मार्ट मीटर चुक्तिर द्वितीय पर्याय आंध्रप्रदेश डिस्कम एवं नुआ चुक्ति भावे उत्तराखंड डिस्कम रु लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करिछि आदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तृतीय क्वार्टर में मोट 2 मिलियन स्मार्ट मीटर पर चुक्ति होता बेले यह मोट मूल्य रही 2300 कोटी टंका। वर्तमान पाइपलाइन रे 9 प्रकल्प रे 21.1 मिलियन स्मार्ट मीटर रही बेले यार चुक्ति मूल्य रही 25000 कोटी टंका। आदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2023 डीएक्स पुरस्कार मिली। यहसह अष्टम ईएसएम इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड सीपीओ अवार्ड 2023 एक्सलेंस इन प्रोक्यूमेंट इनोभेसन एवं आउटस्टैंडिंग लीडर इन प्रोक्यूमेंट पुरस्कार मिली। नवंबर 2023 इतिहास रचिता आदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड दीपावली दिन पूरा मुंबई सहर को 4 घंटापी 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी आलोकित करिथिला आदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।